सलामकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसे और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रिव्यू वीडियो है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। मैं आपको आज रिव्यू करके दिखाऊंगा ग्री का इन्वर्टर एसी ग्री का, उसको हम रिव्यू करेंगे। मैं कंप्लीट लाइव आपको प्रैक्टिकली शो ऑफ करवाऊंगा एम्पेयर मीटर से कि कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितनी बिजली इसमें कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली शो करवाने वाला हूँ कि कितने वाट जो है एनर्जी ले रहा है, कितने एम्पीयर करंट लेता है, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए या नहीं है। बिलीव मी, आप देखते रह जाएंगे कि कितने मिनिमम ये इलेक्ट्रिक को कंज्यूम कर रहा है। ये सबसे बेस्ट मॉडल जो मैं आपको रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 110 डिग्री का इन्वर्टर एसी है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये इसका आउटडोर है दूसरी, और स्प्लिट एसी है, ये इसका इंडोर है। मैं आपको अगर मॉडल दिखा सकूं तो ये देखें, ये GS12VITH1 आई, ये इसका मॉडल है। चलिए, मैं टाइम वेस्ट किए मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूं आपको व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। इसको हम खोल रहे हैं तो जैसे आम दूसरा एसी आ रहा है मार्केट में, आज तक आपने देखे हैं इंडोर है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये देखें दोस्तों, और ये मैं बाद में आपको, अभी इंस्टॉलेशन है इसकी, इंस्टॉलेशन में आपको दिखा दूंगा। ये अभी इसकी इंस्टॉलेशन होनी है, इंस्टॉलेशन के बाद में आपको इसकी लुक एंड फील दिखा दूंगा कि हाउ इट्स लुक, यानी इसकी स्क्रीन पर क्या है, इसका डिस्प्ले कैसा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको अगर मैं साइड पर रख के आपको दिखाऊं इसका आउटडोर, मैं आपको दिखाऊं ये मैं स्क्रीन दोस्तों, इसका आउटडोर है ग्री का दिस वन, ये काफी बढ़िया है। इधर इसका कंप्रेसर है और बाकी चीजें तकरीबन वही है जैसे दूसरा आम इन्वर्टर के अलावा आपको आउटडोर देखने को मिलता है, यही है। तो हम अब इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए दोस्तों, ये 110 एसी ग्री का इन्वर्टर जो है, ये मैं आपको पहले दिखा दूंगा, इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। तो चलिए, मैं आपको लाइव प्रीव्यू करके दिखाता हूँ हाउ मच एम्पीयर्स दिस 110 एसी इज टेकिंग। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको शो करवाता हूँ कि कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो उसको हम एम्पीयर्स को हम बाद में वाट में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ये कितनी बिजली इसमें खर्च हो रही है, यानी कितने पंखे के इक्वल टू दिस वन इज टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स शो। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी चल रहा है फुल कूल मोड के ऊपर, तो मैं आपको इसकी रीडिंग शो करवाऊं। ये देखिए 0.7 एम्पीयर, ये देखिए ये ले रहा है 0.7 एम्पीयर, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, चेक करें, ये 0.5 एम्पीयर ले रहा है, ये देखें फुल कूल मोड पे चल रहा है, फुल कूलिंग मोड पे ये चल रहा है। और ये फुल इन्वर्ट होने के बाद अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए मुझे इसको ऑन किए हुए, इसी को ये देखें 0.4 तक चेक करें 0.4 एम्पीयर तक ये करंट ले रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, ये फुल एफिशिएंट मॉडल है जो रियल टाइम में मैं आपको शो करवा रहा हूं। तो इससे बेस्ट आई डोंट नो के कोई एफिशिएंट आपको एफिशिएंसी आपको देगा। लेट मी सी, ये देखें 0.3 तक आ रहा है, ये देखें
देख रहे हैं, चेक करें, ये लाइव प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूं। अब इसको मैं इन्वर्ट करके, इसको मैं फार्मूला लगा के बताता हूं ये कितने वाट ले रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये शो करवाता हूँ फार्मूले पे वैल्यू को पुट करके, ये कितने वाट ले रहा है और कितनी बिजली ये खर्च कर रहा है। तो फार्मूला हमारा है वाट इज इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई वोल्ट। एम्पेयर जो मैं अभी आपको लाइव प्रीव्यू में शो करवाया है कि 0.3 एम्पेयर जो है इन्वर्ट होने के बाद ये एसी करंट ले रहा है। और हमारे घरों में आमतौर पे वोल्टेज जो आ रहे होते हैं वो 220 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। इसको एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 66 यानी 66 वाट जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। 66 वाट जो है इतनी एनर्जी ये ले रहा है ये एसी। तो ये 66 वाट जो है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सीलिंग फैन जो होता है, छत वाला पंखा जो होता है वो भी 70 वाट से ज्यादा एनर्जी ले रहा होता है। तो ये जो बिजली की खर्च है ये इस हिसाब से सीलिंग फैन से भी कम है इन्वर्ट होने के बाद, जब ये एसी इन्वर्ट हो जाता है। तो देखा आपने कि ये 0.3 एम्पेयर करंट ले रहा है, इसको हमने वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करके वाट निकाला तो ये 66 वाट हमें मिले हैं रिजल्ट में। तो ये लेस देन सीलिंग वन सीलिंग फैन, छत वाले पंखे से भी कम ये बिजली ले रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रूम एयर कूलर है वो कितनी बिजली लेता है, रूम एयर कूलर जो है वो कितनी बिजली लेता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डिफरेंट क्यूरीज हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों के ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन के अलावा भी ये जो रूम एयर कूलर होते हैं वो इतने लेते हैं, 250 से लेके 350 वाट तक बिजली वो लेते हैं। जैसे ये देखें, ये बंदा है, ये कह रहा है कि इसने 275 वाट बोला है कि एयर कूलर जो है वो इतने लेता है, और लेता इतनी है, 250 से लेके 350 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ये देखें, ये भी एयर कूलर के बारे में इसने बताया हुआ है कि ये कंज्यूम करता है अबाउट 250 to 350 वाट, यानी 250 से लेकर 350 वाट जो बिजली है ये इतनी कंज्यूम करता है एयर कूलर। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई आपको, इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।